The area bounded by minimum of mod of x, comma mod of y is equals to 2 and maximum of mod of x, comma mod of y is equals to 4. तो इन दोनों कर्व से जो एरिया बाउंड होगा उसके लिए अपने को वैल्यू कैलकुलेट करना है. कर्व क्या गिवन है, एक मिनिमम गिवन है और एक मैक्सिमम गिवन है. मोड ऑफ एक्स इजकल्स टू 2 और मोड ऑफ वाई इजकल्स टू 2 और मोड ऑफ एक्स इजकल्स टू 4 एंड मोड ऑफ वाई इजकल्स टू 4. तो पहले अपन यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये ग्राफ ड्रॉ करें. तो ग्राफ में अगर अपन देखें तो यहाँ पे पहले एक कंडीशन के लिए अपन ड्रा करें, मिनिमम ऑफ मोड ऑफ एक्स कॉमा मोड ऑफ वाई इजकल्स टू 2, ठीक है. और यहाँ पे जो दूसरा कर्व गिवन है वो गिवन है मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ एक्स कॉमा मोड ऑफ वाई इजकल्स टू 4, ठीक है. तो लेट्स अपन इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है. अब ये लाइन लेट्स से यहाँ पे एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है और ये लाइन जो है यहाँ पे ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. अब यहाँ पे अगर अपन इक्वेशन देखें तो क्या कि मैंने मोड ऑफ एक्स इजकल्स टू 2 और मोड ऑफ वाई इजकल्स टू 2. तो मोड ऑफ एक्स इजकल्स टू 2 मीन्स यहाँ पे अगर अपन देखें तो मोड ऑफ एक्स इजकल्स टू 2, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे प्लस माइनस 2. सिमिलरली अगर अपन देखें तो मोड ऑफ वाई इजकल्स टू 2 विच मीन्स वाई की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे प्लस माइनस 2. ये यहाँ पे इसके लिए इक्वेशन हो जाएगा. तब अपन मोड एक्स इजकल्स टू 2 ड्रॉ करें. लेट्स से ये लाइन क्या है यहाँ पे, ये लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स इजकल्स टू माइनस 2, ठीक है. ये लाइन एक्स इजकल्स टू माइनस 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और इधर ये रिप्रेजेंट करेगा एक्स इजकल्स टू 2 को, ठीक है. ये लाइन जो है ये एक्स इजकल्स टू 2 को रिप्रेजेंट करेगा. सिमिलरली अगर अपन वाई इजकल्स टू 2 ड्रॉ करें और वाई इजकल्स टू माइनस 2 ड्रॉ करें तो ये लाइन क्या है यहाँ पे, ये लाइन वाई इजकल्स टू 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. और इधर अगर अपन देखें तो ये लाइन जो है वाई इजकल्स टू माइनस 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. तो ये अपने पास अगर अपन लाइन्स की इक्वेशन लिखेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स इजकल्स टू माइनस 2 एक्स इजकल्स टू 2 और ये लाइन है वाई इजकल्स टू 2 और ये लाइन है वाई इजकल्स टू माइनस ऑफ 2. अब इसमें कंडीशन क्या लगा रखा है, इन्होंने बोला है कि मिनिमम ऑफ, ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है एक्स की वैल्यू 2 और मिनिमम वैल्यू एक्स की वैल्यू माइनस 2 और मैक्सिमम वैल्यू एक्स की वैल्यू राइट एंड पॉजिटिव वैल्यू में क्या होगा मिनिमम 2. सिमिलरली वाई के लिए पॉजिटिव में मिनिमम वैल्यू क्या होगा 2 और मैक्सिमम क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव में मिनिमम क्या होगा मैक्सिमम क्या होगा यहाँ पे माइनस 2. अगर अपन इस ग्राफ को ड्रॉ करें यहाँ पे तो ग्राफ आ जाएगा इसके लिए, इसको लेट से अगर अपन इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ आएगा कुछ इस फॉर्म में. ग्राफ आएगा ये लाइन इस तरीके से, ये रेड वाली कर्व जो है वो इस कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ एक्स और मोड ऑफ वाई इजकल्स टू 2. तो ये रेड कर्व जो है ये यहाँ पे इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है. ये यहाँ पे इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और ये रेड क्या होगा आगे कंटिन्यू चलता जाएगा, ठीक है. आगे इधर यहाँ पे रेड ये कंटिन्यू, ठीक है. ये रेड कर्व जो है ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब दूसरी वाली कर्व अपन यहाँ पे ड्रॉ करें, ठीक है. दूसरी वाली कर्व क्या है, मैक्सिमम ऑफ मोड एक्स मोड वाई इजकल्स टू क्या गिवन है 4, ठीक है. तो ये कर्व यहाँ पे इनफाइनाइट तक यहाँ पे अप्रोच करेगा, ठीक है. दूसरी वाली कर्व क्या बोला है, इन्होंने मैक्सिमम बोला है, ठीक है. अब इस केस में क्या बोल सकते हैं अपन, इस केस में जो एक्स के लिए वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा एक्स इजकल्स टू प्लस माइनस 4 और वाई की भी वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस 4. तो यहाँ पे भी अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है. यहाँ पे भी अपन ये क्या करें, ग्राफ ड्रॉ करें एक्स इजकल्स टू 4 और एक्स इजकल्स टू माइनस 4, वाई इजकल्स टू 4 और वाई इजकल्स टू माइनस 4, ठीक है. अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये लेट से क्या आ गया अपने पास, ये वाई इजकल्स टू 4 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये यहाँ नीचे में वाई इजकल्स टू माइनस 4 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. और इधर अगर अपन देखें तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा एक्स इजकल्स टू 4 लाइन को, ठीक है. और इधर अगर अपन ड्रॉ करेंगे तो एक्स इजकल्स टू माइनस 4 लाइन को रिप्रेजेंट करेगा. अब इन्होंने बोला था कि ये मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है. ये लाइन अगर अपन देखें तो ये लाइन क्या आ गया यहाँ पे वाई इजकल्स टू 4 और ये लाइन अगर अपन देखें तो यहाँ पे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा वाई इजकल्स टू माइनस 4, ठीक है. तो ये इसके लिए क्या आ जाएगा इक्वेशन वाई इजकल्स टू 4 और वाई इजकल्स टू माइनस 4. सिमिलरली अगर अपन देखें तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा एक्स इजकल्स टू माइनस 4 और ये लाइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा एक्स इजकल्स टू 4, ठीक है. तो ये अपने पास लाइन. अब इन्होंने क्या बोला था मैक्सिमम, ठीक है. इस वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम क्या हो सकता है 4, ठीक है. वाई की मैक्सिमम वैल्यू 4 हो सकता है और नेगेटिव में इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 4. तो बेसिकली जो अपने को रिक्वायर्ड एरिया निकालना, ठीक है, बेसिकली जो इनके बाउंडेड एरिया कौन से हैं, इसके बाउंडेड एरिया बेसिकली यहाँ पे 4 स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, वो एरिया अपने पास बाउंडेड एरिया हो जाएगा. ये एरिया हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. और ये स्क्वायर का एरिया हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. सिमिलरली अगर अपन देखें और ये स्क्वायर का एरिया, ठीक है. तो ये अपने पास इसके जो कर्व गिवन है उसके लिए एरिया हो जाएगा, ठीक है. और ये जो कर्व होगा इसके लिए अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये फाइनल ग्राफ जो होगा इसके लिए वो हो जाएगा यहाँ पे, इसको लेट से मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है. तो ये अपने पास इसके लिए
ग्राफ होगा स्क्वायर के फॉर्म में, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 हो सकती है, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 हो सकती है। तो ये ग्रीन वाला कर्व जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके बाउंडेड एरिया क्या होगा, जो यहाँ पे अपन ने येलो कलर से सेट करा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके लिए एरिया हो जाएगा। अब ये 4 स्क्वायर है और स्क्वायर क्या है यहाँ पे सिमेट्रिक है, तो इसका एरिया क्या होगा, एक का एरिया अपन फाइंड आउट करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एक स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करके अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब अपन इसका एरिया देखें, इसकी लेंथ क्या होगी यहाँ पे 2, और इधर इसकी लेंथ क्या होगी यहाँ पे 2, ठीक है। सिमिलरली ये लेंथ भी 2 और ये लेंथ 2, ये लेंथ 2, ये लेंथ 2, ठीक है, ये लेंथ 2 और ये लेंथ 2। तो बेसिकली अगर अपन देखिए तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा स्क्वायर का एरिया क्या है यहाँ पे 2 × 2, और ये कितने स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये आ गया 16। और ये एरिया जो होगा वो किस में आ जाएगा, वो स्क्वायर यूनिट में आ जाएगा, 16 स्क्वायर यूनिट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन चेक कर लेंगे कि आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 16 स्क्वायर यूनिट।